टमाटर का दाम ऊंचा होने का कारण है कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई हो गया है, टमाटर को ठंडा चाहिए, ठंडा मिल नहीं रहा है, इसके कारण है कि टमाटर रुक नहीं रहा है, जितना भी आदमी लगा रहा है सब मरते जा रहा है। इसका कारण है कि टमाटर हो नहीं पा रहा है, जितना होना चाहिए उतना हो नहीं पा रहा है, इसीलिए टमाटर का इतना दाम बढ़ते जा रहा है दिनों दिन, और भी बढ़ेगा। टमाटर का रेट जो है मरने का रुक नहीं रहा है, ठंडा पड़ नहीं रहा है, गर्मी पूरा पड़ रहा है, इसी के कारण है कि टमाटर का ये दाम इतना बढ़ते जा रहा है। कितना एकड़ में लगाए हैं आप टमाटर? लगभग हम 3 एकड़ में लगाए हैं टमाटर। 3 एकड़ में टमाटर लगाए हैं, फिर भी लग रहा है कि 1 एकड़ भी नहीं ये हो पाएगा, 50 डिसमिल भी नहीं हो पाएगा, सब मर के ख़त्म हो जा रहा है। तो कितना पूंजी लगा था इसमें? कम से कम 50,000 रुपया पूंजी हम फंसा दिए हैं इसमें। इनकम कितना होने का चांस था इसमें? इनकम वही कम से कम 5 लाख रुपया होने का चांस था, लेकिन 50,000 रुपया भी नहीं निकल पाएगा। 1 एकड़ 30 डिसमिल में आलू लगाए थे, वो पूंजी 50 किलो का दाम 2,000 रुपया में हम लिए थे, वो पैसा सब डूब गया। 2 एकड़ में लगाए थे टमाटर, उसमें 60-70 हज़ार रुपया मेरा पूंजी चल गया। मेरा नाम जगेसर जादव है, हम एक किसान। कितना इनकम होता उसमें टोटल? उसमें इनकम हमको करीब 4 लाख रुपया तो ऐसे भी गिरते पड़ते हम बनता पूंजी 50 काट को। सारा डूब गया। मिर्चा का रेट बढ़ने के पीछे क्या कारण? मिर्चा का रेट के बढ़ने की कारण है कि इस बार मरने वाला ज़्यादा से ज़्यादा ये है, फफूंदी नाशक हो रहा है, मर रहा है, सही से पैदावार नहीं हो रहा है। जितना में हम लोग लगाए हैं, जितना 50 डिसमिल हम लगाए हैं, इसमें कम से कम 4 से 4.5 क्विंटल एक बार में टूटना चाहिए, जिसमें 1 से 1.5 क्विंटल भी माल निकल रहा है, इसीलिए मिर्चा का रेट बढ़ने की यही संभावना है। जिस बुढ़मू प्रखंड में जैसा टमाटर की खेती का गढ़ है, उसके अनुसार इस बार टमाटर का खेती समझिए कि मर चुका है, और किसान जो आश्रित था, किसान का एकदम उम्मीद ख़त्म हो चुका है टमाटर से। राजनीतिक गढ़ माना जाता है बुढ़मू, उसी तरह से टमाटर का गढ़ भी बुढ़मू है। और पूरे बुढ़मू प्रखंड में लगभग 500 एकड़ में खेती टमाटर का लगता है, और इस बार 0 पॉइंट हो गया है। एक किसान कितना का आमदनी हो जाता था किसान का? मोटा मोटी 3 लाख आसपास होता है, जिससे कि बेटी के शादी भी कर लेता है, घर अगर बनाना हो तो घर भी बना लेता है। लेकिन इस बार किसान एकदम टूट चुका है, और कहीं ऐसा ना हो कि किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए।